नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन मंसाल वास्तु कंसल्टेंट आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नए विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ हमारी जो सीरीज़ चल रही है प्लॉट चेन से लेकर प्लॉट शुद्धि तक प्लॉट शुद्धि से लेकर गृह निर्माण तक और गृह निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक इस सीरीज में मैंने बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है और मेरी और भी नई वीडियो इसी सीरीज़ की आ रही है आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है कंपाउंड वॉल बाउंड्री वॉल यानी जहाँ हम अपना घर बनाते हैं उस घर की जो चार दीवारी होती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए नए नए विषय पर वीडियो बनाता रहता हूं और मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को अपनी हर एक वीडियो में वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की ज्यादा से ज्यादा जानकारी जरूर दू आपका अपना प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है और आपके प्लॉट का साइज बहुत बड़ा है आप अपनी बिल्डिंग बीच में बना रहे हैं और चारों तरफ से ओपन एरिया रख रहे हैं तो ऐसे में जो आपकी कंपाउंड वॉल है जो बाउंड्री वॉल है वो किस प्रकार से आपको बनानी चाहिए हमेशा ही साउथ की दीवार और वेस्ट की दीवार ठीक होनी चाहिए मोटी होनी चाहिए इसी के साथ में आपकी जो दोनों दीवारें हैं साउथ की दीवार और वेस्ट की दीवार हाइट में भी ज़्यादा होनी चाहिए किससे नॉर्थ की दीवार से और ईस्ट की दीवार से इन दोनों दीवारों से साउथ की दीवार और वेस्ट की दीवार हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए और थिक होनी चाहिए मोटी होनी चाहिए नॉर्थ की दीवार और ईस्ट की दीवार इन दोनों की जो हाइट है वो इक्वल होनी चाहिए और दीवार हमेशा ही स्मूथ बननी चाहिए ये तो हो गया कि आपका प्लॉट का साइज बहुत बड़ा है और ऐसे में आप चारों तरफ ओपन एरिया रखकर कंपाउंड वॉल बना रहे हैं यदि आप एक दीवार पर बिल्डिंग बना रहे हैं और तीन तरफ से ओपन रख रहे हैं तो उसमें आपको हमेशा बिल्डिंग कहां बनानी चाहिए वेस्ट की दीवार के साथ पर इस प्रकार आपकी अपनी बिल्डिंग वेस्ट की दीवार पर बननी चाहिए साउथ में भी ओपन एरिया रख सकते हैं नॉर्थ में भी ओपन एरिया रख सकते हैं और ईस्ट में भी ओपन एरिया रख सकते हैं ऐसे में जो आपकी अपनी साउथ की दीवार है और वेस्ट की दीवार है वेस्ट की दीवार कहाँ तक बनी बिल्डिंग तक ये दोनों दीवारें साउथ ईस्ट कॉर्नर से साउथ होते हुए साउथ वेस्ट तक और साउथ वेस्ट से बनी बिल्डिंग तक ये दोनों दीवारें हाइट में ऊंची होनी चाहिए और ठीक होनी चाहिए और जो आपकी नॉर्थ वॉल है और ईस्ट वॉल है ये दोनों नीचे होनी चाहिए ये तो हो गया ये बेसिक पॉइंट जो मैंने आपको पहले भी बताया और दोबारा से रिपीट कर रहा हूं अब इसमें आपकी बिल्डिंग सारी की सारी वेस्ट में बन रही है तो इसमें आपने ध्यान रखना है जो आपकी नॉर्थ वेस्ट वॉल बनती है ये नॉर्थ वॉल के बराबर भी हो सकती है और इससे हल्की सी ऊंची भी हो सकती है ज्यादातर घरों में देखने में आता क्या है कि जो हमारी कंपाउंड वॉल होती है जो बाउंड्री वॉल होती है उसमें एक दीवार को नीचा कर दिया जाता है जैसे गेट से एंट्री करते हैं एंट्री करने के बाद राइट की, की दीवार या लेफ्ट की दीवार को नीचा रख दिया जाता है या पड़ोसी की दीवार ऊंची होती है तो उसमें कुछ रद्दे लगाकर अपने छोड़ देते हैं तो ऐसे में आपने ध्यान रखना है कभी भी ये दीवार नॉर्थ की दीवार से नीची नहीं होनी चाहिए यदि आपके यहाँ नॉर्थ की दीवार से नॉर्थ वेस्ट की दीवार नीची है तो ये मान के चलिए आपके यहाँ बेविजह के टेंशन बनी रहेगी घर के अंदर झगड़े भी रहेंगे लीगल इशू होने के कारण भी बनते हैं कोर्ट केस झगड़े होने के कारण भी बनते हैं परिवार में मनमुटाव भी बेवजह हो जाता है किसके कारण नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा यदि नीचा हो जाता है कुछ जगह ऐसा भी देखने में आता है कि जो हमारी साउथ वेस्ट कॉर्नर है वेस्ट की दीवार है ये दीवार भी नीचे रख दी जाती है ऐसे में ईस्ट की दीवार ऊंची हो जाती है और वेस्ट की दीवार नीची हो जाती है और जब वेस्ट की दीवार नीची होती है तो भी इस तरह का दोष देखने में आता है कि ये दीवार नीचे कर देते हैं किससे ईस्ट की दीवार से तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए अब ऐसे में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा आपके प्लॉट का साइज छोटा है और आप वेस्ट से ईस्ट तक दोनों दीवारों को टच करके बिल्डिंग बना रहे हैं फ्रंट में भी ओपन एरिया रख रहे हैं और बैक साइड में भी ओपन एरिया रख रहे हैं तो ऐसे में आपको कंपाउंड वॉल किस प्रकार से बनानी चाहिए यह आपने कंप्लीट बिल्डिंग लेफ्ट टू राइट बनाई इसमें फ्रंट का ओपन एरिया भी हो गया और बैक साइड का भी ओपन एरिया हो गया तो इसमें जो ध्यान रखना है जो आपकी अपनी साउथ की दीवार है वो दीवार आपकी नॉर्थ की दीवार से ऊंची होनी चाहिए और जितनी ऊंची दीवार साउथ की होगी उतनी ही ऊंचाई की दीवार आपकी वेस्ट की दीवार भी बनेगी और ईस्ट की दीवार भी बनेगी यानी ये दीवार भी और ये दीवार भी यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर और साउथ वेस्ट कॉर्नर दोनों ही साउथ की दीवार के बराबर होंगे ऊंचाई में भी और मोटाई में भी अब बात करते हैं हम फ्रंट की फ्रंट में जो आपकी नॉर्थ ईस्ट की वॉल है ईस्ट वॉल और जो नॉर्थ वेस्ट की वॉल है वेस्ट वॉल ये दोनों दीवारें आपकी इक्वल होनी चाहिए आप नॉर्थ वेस्ट की दीवार का रद्दा एक इंच तो ऊंचा कर सकते हैं दो इंच तीन इंच ऊंचा कर सकते हैं लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये दीवार आपकी साउथ ईस्ट कॉर्नर से ऊंची नहीं होनी चाहिए यानी जो आपकी ये साउथ ईस्ट की वॉल है इस वॉल से ये वॉल कभी भी ऊंची नहीं होनी चाहिए जब भी ये वॉल ऊंची होती है तो टेंशन घर के अंदर बनती है झगड़े होने के कारण भी बनते हैं और छोटे छोटे एक्सीडेंट होने के कारण भी देर से बन जाते हैं तो इसलिए आपने ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि नॉर्थ वेस्ट की वॉल आपकी साउथ ईस्ट की वॉल से ऊंची नहीं होनी चाहिए अब मैं आपको खास बात और बताना चाहूँगा ईस्ट की वॉल और वेस्ट की वॉल में नॉर्थ वेस्ट वॉल और ईस्ट की वॉल में नॉर्थ ईस्ट वॉल ये दोनों इक्वल हो जाएगी और साथ में जो आपकी नॉर्थ वॉल है ये भी इक्वल होनी चाहिए अब यहाँ पे कमी क्या क्या होती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले तो जो हमारी फ्रंट की दीवार है आजकल डिज़ाइन के चक्कर में दीवार को बहुत ज़्यादा मोटी भी कर देते हैं आगे पीछे भी कर देते हैं दीवार को अंदर की ओर भी कर देते हैं और बाहर की ओर भी निकाल देते हैं ऐसे में जो नॉर्थ वॉल है ये नौ इंच की बजाय चौदह इंच की अठारह इंच की भी हो जाती है कहीं से अट्ठारह इंच की दीवार बन गई और कहीं से चार इंच की दीवार बन गई और कहीं से नौ इंच की दीवार बन गई तो ऐसी दीवार कभी भी नहीं बनानी चाहिए जब भी नॉर्थ की दीवार मोटाई में ज्यादा होती है तो ऐसी जगह फाइनेंस लॉस होने के कारण बनते हैं नए अवसर नहीं मिलते तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आपकी अपनी फ्रंट वॉल है ये नौ इंच की दीवार ही होनी चाहिए यानी जितनी आपकी साउथ की दीवार है उसकी दीवार के बराबर या उससे पतली होनी चाहिए अगर आपने डिजाइन बनवाना है इस दीवार के अंदर तो मैं कहूँगा कि आप अपनी पीछे की दीवार को साउथ की दीवार को अट्ठारह इंच की जरूर बनाए ऐसा करने से आपकी फ्रंट की वॉल का वास्दोष नहीं लगेगा अब एक कमी और कहाँ होती है जब मेन गेट बनाया जाता है तो मेन गेट के जो पिलर है वो अंदर की ओर निकाल दिए जाते हैं या बाहर की ओर निकाल दिए जाते हैं या दोनों तरफ से पिलर को निकाल दिया जाता है अंदर भी निकाल दिया जाता है और बाहर भी निकाल दिया जाता है तो ऐसे में जो पिलर बनते हैं वो भी वास्तुदोष पैदा करते हैं और एक ख़ास बात और देखना नोट करना आप आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आप जिस घर के अंदर रह रहे हैं क्या आपने ऐसी गलती तो नहीं की जो गेट के पिलर होते हैं ये आपकी बाउंड्री वॉल से ऊंचे हो जाते हैं जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है ये भी आपका बाउंड्री वॉल में के हिसाब से एक फीट डेढ़ फिट के करीब ऊंचा हो जाता है और ये पिलर भी आपका एक डेढ़ फिट के करीब ऊंचा हो जाता है तो ऐसा होने से भी वास्तु दोष बनता है इसी में मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कंपाउंड वाला बनाकर उसके ऊपर ग्रिल भी लगा देते हैं ग्रिल की हाइट ज़्यादा हो जाती है और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की दीवार और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की दीवार ये नीचे रह जाती है किससे ग्रिल से ऐसा होने से भी दोष बनता है तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि ध्यान रखें जितनी ग्रिल की हाइट है उसकी हाइट के बराबर आपकी नॉर्थ वेस्ट वॉल और नॉर्थ ईस्ट वॉल होनी चाहिए एक टाइम को आप नॉर्थ ईस्ट वॉल को तो नीचा रख सकते हैं लेकिन नॉर्थ वेस्ट वॉल को नीचा नहीं रखना चाहिए यहाँ पर ग्रिल लगा कर भी ऊंचा कर सकते हैं और वॉल बनाकर भी ऊंचा कर सकते हैं लेकिन ध्यान इसमें फिर भी रखना है अगर हम इसको ऊंचा करते हैं ग्रिल लगा कर करते हैं तो इसकी हाइट प्लस हो जाती है मान लीजिए आपने छः फिट की दीवार बनाई और उसके ऊपर दो फिट की ग्रिल लगा दी तो यहाँ की जो हाइट बनेगी वो आठ फिट की बनेगी तो इसमें आपकी जो बैक साइड की दीवार है इसकी हाइट आठ फिट प्लस होनी चाहिए मैं तो ये कहूंगा कि नौ फिट प्लस कम से कम होनी चाहिए आगे आठ आग फिट रखते हैं तो उसमें पीछे की दीवारें आपकी एक फुट प्लस होनी ही चाहिए आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो मेरा अपना ये मानना है आपके नॉर्थ फेसिंग प्लॉट की कंपाउंड वाल का वास्तु बिल्कुल सही हो जाता है जिस प्रकार शरीर के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं उसी प्रकार घर के अंदर भी वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिन्हें हमें नोट करना चाहिए और जो बात मैंने आपको बताई है शायद ही यूट्यूब पर इतनी सारी बातें कंपाउंड वाल के बारे में बताई हो आपको ये पॉइंट जरूर नोट करने चाहिए क्योंकि आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए यह सीरीज़ बना रहा हूँ और इस सीरीज़ में वास्तुशास्त्र के साथ साथ मैं अपने अनुभव की खास बातें आपको बता रहा हूँ आपका अपना घर बन रहा है या आपका घर बन चुका है और आपको दिक्कत आ रही है फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है या मान सम्मान में दिक्कत आ रही है या बेजे की टेंशन हो रही है या घर के अंदर झगड़े हो रहे हैं या पैसा नहीं आ रहा तो आप अपने घर के कंपाउंड वॉल को भी ज़रूर चेक करें क्योंकि कंपाउंड सही होती है है तो भी घर के अंदर वास्तु दूर हो जाता है और घर के अंदर पैसे आने के साधन भी बन जाते हैं और परिवार में अच्छे संबंध भी बनते हैं और सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है मैं हमेशा ही आप लोगों को वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूं आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी, भी, तो भी, तो भी इन्वाइट कर सकते हैं हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी यह पुस्तक भी मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक आपके घर को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी क्योंकि हमारी इस पुस्तक के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट लिखे हुए हैं जब आप अपना घर बनाएंगे तो आपको समझ आएगा कि हमें घर बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि मैं ये सीरीज़ आपके लिए बना रहा हूँ और आप अपना घर बना रहे हैं तो मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें ये वीडियो हो सकता है आपके फैमिली मेंबर में या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के काम आ जाए तो इसलिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार